हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अभी अजमेर में और मैं जा रहा हूं अभी आना सागर चौपाटी पे, तो लेकर चलता हूं आपको आना सागर चौपाटी पे। गाइस, फाइनली मैं आना सागर चौपाटी पे पहुंच गया हूं और यहां मैंने गाड़ी पार्क कर दी है और चलते हैं अभी अंदर और बताता हूं आपको कि क्या खास है इस चौपाटी में। गाइस, फाइनली मैं आना सागर चौपाटी पहुंच गया और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से बनाई गई है ये चौपाटी और चौपाटी का एक एक कोना मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो देखिए, चलते हैं हम सबसे पहले आना सागर चौपाटी के कोने की तरफ और वहां से मैं आपको दिखाता हुआ पूरी चौपाटी दिखाऊंगा कि इस चौपाटी में क्या क्या खास है और क्या क्या देखने लायक है इस चौपाटी में। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं हूं अभी अजमेर आना सागर चौपाटी, जो कि मित्तल हॉस्पिटल के सामने पुष्कर रोड पर स्थित है, उसके अंदर। और मैं दिखाऊंगा आपको कि क्या क्या इस चौपाटी में खास है और क्या क्या मतलब बनाया गया है इस चौपाटी में, सब कुछ मैं आपको देख सकते हैं। कितनी अच्छी तरह से डेकोर की गई है ये चौपाटी और चौपाटी के चारों तरफ इतने अच्छे अच्छे पौधे भी लगाए गए हैं और यहाँ आना सागर के अच्छे व्यू के लिए यहाँ एक सनसेट पॉइंट भी बनाया गया है, जो कि पूरा मेटल का बना हुआ है। इसके ऊपर भी चल के हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ से कैसा व्यू आता है आना सागर का। देखिए, पूरा मेटल का बनाया गया है ये और यहाँ से कितना अच्छा व्यू आता है इसका। सामने आप देख सकते हैं आना सागर है और ये चौपाटी के अंदर होने से चौपाटी के अंदर चार चांद लग गए हैं, क्योंकि ये हाइट में थोड़ा ऊंचा है, इसकी वजह से यहाँ खड़े होकर कोई फ़ोटोज़ वगैरह लेना मतलब बहुत शानदार बात होगी। बहुत शानदार डिज़ाइन किया गया है ये चौपाटी के ऊपर, आप देख सकते हैं। इसके सामने ही कितना अच्छा व्यू आ रहा है आना सागर का। देखिए, यहाँ पर अच्छी अच्छी पेंटिंग्स भी वॉल पर की गई है। अगर आपको फ़ोटोशूट वगैरह कुछ कराना हो तो बहुत ही अच्छा जाने वाला है। फैमिली के साथ आप घूमने आते हैं तो बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड और बहुत अच्छी मेमोरीज़ बनेंगी आपकी। देखिए, इस इतनी लंबी दीवार पे अलग अलग तरह की पेंटिंग्स बनाई गई है और बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स हैं यहाँ पे, देख सकते हैं आप। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत पेंटिंग है यहाँ पे और बहुत शानदार से डिज़ाइन की गई है चौपाटी। आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए झूले वगैरह भी लगाए गए हैं और रेस्टोरेंट वगैरह भी यहाँ मौजूद हैं। अभी तो मैं गलत टाइम पे आ गया, लेकिन शाम के टाइम में ये सब चीज़ें चालू हो जाती है और यहाँ की रौनक ही कुछ और होती है शाम के टाइम में। और यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ लाइटिंग शो चलता है, फवारे में जो चलता है पानी में वो लाइटिंग शो चलता है। और यहाँ पे गाने वगैरह बीट के साथ में ये जो लाइटिंग चलती है, देख सकते हैं आप। अभी हम चल रहे हैं, एक ऐसा ब्रिज बनाया गया है जो नदी और चौपाटी को मिलाने के लिए बहुत ही अच्छा है। देखिए, ये आ गया एक और ब्रिज। ये देखिए आप, ये आना सागर की बांडी नदी है, ये ब्रिज है चौपाटी के ऊपर ही है ये। यहाँ भी आप फ़ोटोशूट के लिए बहुत शानदार जगह है ये, आप फ़ोटोशूट का मज़ा ले सकते हैं यहाँ पे भी। और देखिए कितनी प्यारी चौपाटी है ये। अभी तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे पानी बहुत कम हो गया है, बाकी पानी बहुत था, अभी ग्रीन ग्रीन थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मुझे। देखिए कितनी प्यारी कितनी सुंदर चौपाटी है और कितनी क्लीन है। सफाई की बात करें तो आप देख सकते हैं कितनी क्लीन है ये और कितने अच्छे व्यूज़ आते हैं यहाँ पे। वाओ, ये नज़ारा तो बहुत ही शानदार था भाई। आ जाओ, हाय हाय। कितनी क्लीन, बहुत शानदार, घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है ये चौपाटी। अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं तो इस चौपाटी को विज़िट ज़रूर करें। और देखिए यहाँ पे कितनी
शानदार, कितनी अच्छी लग रही है ये देखिए। Thank you.